सो गाइस अब हम लोग आ गए हैं वृंदावन प्रेम मंदिर। तो आगरा में हमने सिर्फ ताजमहल ही देखा और कुछ नहीं देखा हमने, क्योंकि हमें वहीं पर ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 5 बज गए थे हमें आगरा में ही। तो मन तो था कि हम लोग आगरा फोर्ट भी देखें, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो अब हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा अब जो है टाइम का यूटिलाइज करते हुए हम लोग जो है प्रेम मंदिर देखते हुए यहाँ से जाए। तो हम लोग आ गए वृंदावन प्रेम मंदिर देखने। तो हेलो, अरे रुको ना रुको, बढ़िया ठीक है। चलिए आपको मैं प्रेम मंदिर भी दिखाती हूँ, और बस अब मैं प्रेम मंदिर तक ही दिखाऊंगी। थोड़ा प्रेम मंदिर में जहाँ तक हो सकेगा पॉसिबल वहाँ तक का मैं दिखाऊंगी, और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग भी एंड करूंगी। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस हम लोग खड़े हैं अब प्रेम मंदिर के बाहर, और बाहर ना आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो आपके गाल पे राधे राधे लिख देंगे और माथे पे तिलक लगा देंगे तुरंत। तो हम लोगों ने सब ने लगवा लिया था। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ प्रेम मंदिर का मुख्य दरवाज़ा। अभी हम बाहर ही है, अभी हमने अंदर एंट्री नहीं ली है, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी मैं आपको बाहर ही दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लाइट्स से सजा हुआ पूरा मुख्य द्वार है। और इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ अंदर की तरफ। तो ये देखिए अंदर प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर लेज़र लाइट से सजा हुआ है ये, और कहते हैं यहाँ पे ना हर 30 सेकंड में लेज़र लाइट चेंज होती रहती है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ झांकियाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेम मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं, कृष्ण जी की लीलाएँ दिखाई गई है एक से एक। तो यहाँ पे देखिए जो झांकी है इसमें जो कालिया शेषनाग जो है उसके ऊपर कृष्ण जी जो है नृत्य कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर झांकी है, बहुत ही सुंदर। तो आइए इसके बाद मैं और भी झांकियाँ दिखा देती हूँ। प्रेम मंदिर में अगर आप जाएंगे ना आपको बहुत सारी झांकियाँ देखने को मिलेंगी, एक से एक कृष्ण जी की लीलाएँ देखने को मिलेंगी झांकी के रूप में। तो यहाँ पे देखिए गोचरिया बना हुआ है, और इसके बाद मैं आपको एक और झांकी दिखाने जा रही हूँ। और ये झांकी ना मुझे इतनी अच्छी लगी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं 10 मिनट तो मैं बहुत आराम से देखती रही, और मतलब नज़र हटी नहीं रही थी, और इतनी सुंदर लीलाएँ लग रही थी ना, ये जैसे कृष्ण भगवान जी और गोपियाँ उनके साथ नृत्य कर रही है, बहुत ही अच्छी झांकी थी ये, बहुत मनमोहक झांकी थी। इसके बाद एक झांकी मैं और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी कन की उंगली पर उठाया हुआ है, और ऊपर से वर्षा हो रही है यानी बारिश हो रही है, और नीचे गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने ब्रजवासियों को पनाह दे रखी है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसके बाद मैं आपको ना प्रेम मंदिर में दिखा देती हूँ जो लाइट चेंज होती रहती है हर 30 सेकंड में लेज़र लाइट, बहुत ही सुंदर और आकर्षक सा लगता है ये मंदिर देखने में। तो दूर दूर से यही सब देखने के लिए लोग आते हैं, जो इसमें लेज़र लाइट जो चेंज होती रहती है, और जिस वजह से मंदिर का जो दृश्य है वो चेंज होता रहता है। इसके बाद ना हम लोग जो है थोड़ा सा चलने लगे और झांके देखने के लिए। तो पहले मैं आपको ना भीड़ दिखा देती हूँ, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा कि या तो हम लोग आ जाए या रोज़ इतनी भीड़ होती है, आई डोंट नो। हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। इन्होंने खूब एंजॉय किया, बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी से फिर मैं एक और नए ब्लॉग के साथ आऊँगी। आज के लिए यहीं पे मैं आप लोगों को रात्रि बोलती हूँ, बाय।